कौशल चली गई मगर मैं हैरतों में डूबा रहा। वो सुन्नत ज्ञानी मेरे लिए हैरान कुन थे जिन्होंने जाप करके कौशल को उस मुसीबत से निकाला था। हालांकि मैंने कौशल के लिए जान की बाजी लगा दी थी, उन बंजारों को धोखा देने के लिए बेहतरीन मंसूबा बनाया था जिसमें कोई मामूली सी भी लग्जिश मेरी अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकती थी। लेकिन सुन्नत ज्ञानी, वैसे चंद बातें तस्लीम करनी पड़ती थी, मसलन जमने का मेरे मंसूबे पर तैयार हो जाना, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक गाड़ी मुहैया कर देना और फिर वो हांडी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। 12 बज गए, मैं कमरे से बाहर निकल आया। सारे मुलाजिम भागे भागे फिर रहे थे, अजीब धमा चौकड़ी मची हुई थी। अरे रुको, जी सरकार, कौशल देवी कहाँ है? ज्ञानी महाराज के कमरे में। हाँ महाराज, ठीक 12 बजे वहाँ सब जमा थे। उन्होंने अंदर से रंभू को आवाज़ दी थी। रंभू को? हाँ सरकार, रंभू ही उस वक्त वहाँ मौजूद था। हालांकि अलग अलग नौकर वहाँ रहते थे मगर ज्ञानी महाराज जानते थे कि उस वक्त रंभू वहाँ मौजूद है। कहने लगे, रंभू कौशल को अंदर भेज दो। महाराज ये भी जानते थे कि कौशल देवी आ गई है, इतना ही यकीन था उन्हें। शरबत का ग्लास लेकर कौशल देवी भी अंदर गई थी। फिर क्या हुआ? अभी बड़े सरकार को अंदर बुलाया है, ज़रा मुझे भी वहाँ पहुँचा दो। वो सामने से बाईं तरफ मुड़ जाइए, सामने लोग खड़े नज़र आ जाएंगे, मुलाजिम ने कहा और मैं आगे बढ़ गया। यहाँ मुझे इज्जत दी जा रही थी, बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे, मुझे उन्होंने जगह दी। उसी वक्त एक मुलाजिम अंदर से बाहर आया और मुझे देखते हुए कहा, साहब आपको ज्ञानी महाराज बुला रहे हैं। मुझे? मैंने अचंभे से कहा। जी महाराज अचानक बोले, रंभू बार मसूद आ गया है, उसे अंदर बुला लाओ। आइए महाराज, वो बोला और मैं लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हो गया। ज्ञानी महाराज जमीन पर मरक छाला बिछाए बैठे हुए थे। उनके सामने जगन्नाथ जी और उनकी धर्म पत्नी और कौशल दोजानू बैठे थे। उनके चेहरों पर अकीदत नजर आ रही थी मगर ज्ञानी महाराज के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मेरे बदन को करंट लगा था। वो भोरिया चरण था, लंबे लंबे बाल शानों पर बिखराए, ऊपरी बदन से बरहना अपनी तमाम तर खबास्तों के साथ। आ बालक, तेरे सर पर हाथ रखूं, आ आगे आ। मैं अपनी जगह खड़ा रहा, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैं, मसूद भैया, ज्ञानी महाराज बुला रहे हैं, कौशल ने कहा और मैं दिल में नफरत का तूफान लिए दो कदम आगे बढ़ गया। भोरिया चरण ने हाथ बुलंद किया ताकि मेरे सर पर फेरे, लेकिन मैं सीधा खड़ा रहा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तू क्या समझता है भोरिया चरण, मैं तेरे सामने सर झुकाऊंगा? सब चौंक पड़े थे। कौशल घबरा कर बोली, मसूद भैया ये ज्ञानी महाराज हैं। भोरिया चरण हंसने लगा था। रहने दो कौशल, इससे हमारी पुरानी यारी है, हमारे इसके बीच ये चलता है। आप इन्हें जानते हैं महाराज? जगन्नाथ ने पूछा। अच्छी तरह, ये भी हमें जानते हैं। बैठ तो जा लड़के, तुझसे कुछ बातें करेंगे। ठीक है, सर न झुका हमारे सामने। सबके सामने भोरिया चरण? हाँ, जो बातें करेंगे वो सबके सामने की जा सकती हैं। तूने मुझे बैठने के लिए कहा है भोरिया, इसलिए नहीं बैठूंगा। बोल क्या कहना चाहता है? मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। जगन्नाथ मेरे अंदाज पर सख्त बेचैन हो रहा था। वो तो सुन्नत ज्ञानी से बड़ी अकीदत रखता था और यह हकीकत भी थी कि सुन्नत ज्ञानी ने उनके लिए जो कुछ किया था वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं अपनी नफरत को कैसे दूर कर सकता था? उन लोगों को क्या मालूम था कि भोरिया चरण ने मुझे इंसानों की ज़िंदगी से कितना दूर कर दिया है। मगर भोरिया चरण की पेशानी पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कहा, मत बैठ, मत बैठ। मगर बावले तो हमेशा ये भूल जाता है कि हमने कदम कदम पर तेरी हिफाजत की है। तेरा क्या ख्याल था, क्या तू उन जलते पत्थरों में कुत्ते की मौत ना मर जाता? आसमान की धूप तुझे जला कर भस्म ना कर देती? ये हम ही तो थे जिसने बंजारों के मन में तेरे लिए दया डाली, उन्होंने तुझे बर्दाश्त किया। वरना ये बंजारे पत्थर दिल होते हैं, हर तरह के काम कर लेते हैं, ये भला किसी को अपने बीच आने देते हैं? कि इसके बाद इस लड़की के लिए हमने भागने के रास्ते आसान किए और तू भी उनके बीच से निकल आया? वरना पागल थे ना सुसरे कि तेरा ही सहारा लेते। क्यों रे कौशल, झूठ कह रहे हैं हम? इसीलिए उन्होंने तुझे अगवा नहीं किया था कि तेरा सौदा कर दें? तू पागल बन गई थी, ठीक है, मगर एक पागल लड़की भी तो बेची जा सकती है। वो लोग तुझ पर तशद्दुद करके ये कबूल करा सकते थे तुझसे कि तू पागल नहीं है, मगर हमने उनके दिमाग उलट दिए थे और उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वो इस बावले का सहारा ले। हमने सोचा चलो एक पिंत दो काज हो जाएंगे, तू भी बच जाएगी और कौशल भी तेरे साथ यहाँ तक पहुँच जाएगी। हांडी ना मारते ससुरों पर तो वो सीधे तेरे पास पहुँचते,
ऐसे पहाड़ से गिरकर जान ना जाती उसकी, समझ रहा है तू? भोरिया चरण ने उसी तरह ये सारी बातें कही जैसे उसकी आंखें पूरा मंजर देखती रही हों। उसका दिमाग उन लोगों के दिमाग की सारी बातें जानता रहा हो। ये बिला शुबा उसकी नापाक कुवतों का कमाल था, लेकिन काले जादू की ये कुवतें बारहा मेरे सामने आ चुकी थी और मैं इनसे नावाकिफ नहीं था। भोरिया चरण ने जो कुछ कहा था उससे मुझे खाना बदोशों के चुंगल से निकल आने का मौका ज़रूर मिला था, लेकिन किया दरा भी तो उसी कम वक्त का था। मैंने कहा, सारी बातें अपनी जगह है भोरिया चरण, मगर मेरे तेरे दरमियान जो चक्कर चल रहा है मैं उसमें इतना ही अटल हूँ जितना पहले दिन था। भोरिया चरण स्पाट आंखों से मेरा जायज़ा लेता रहा, फिर बोला, मैं भी तुझे बता चुका हूँ बालक, जितना तू मजबूर है इतना मैं भी मजबूर हूँ। मेरा काम तो तुझसे ही होगा और मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। नापाक कुत्ते, मैं तेरी ये ख्वाहिश तेरी या फिर अपनी मौत के वक्त तक तो पूरी नहीं होने दूंगा, मैंने बिफरे हुए लहजे में कहा। और जगन्नाथ गुस्से से खड़ा हो गया। कौशल भी बेचैन होकर मेरे पास आ गई। उसने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, भैया भैया, तुम सुन्नत ज्ञानी की तोहीन किए जा रहे हो, ये हमारे लिए नाकाबले बर्दाश्त है, हम सबके लिए नाकाबले बर्दाश्त है। माफ़ करना कौशल, मेरे लिए भी इसकी बातें नाकाबले बर्दाश्त हैं, मैं तो पहले ही यहाँ से जाना चाहता था। तुमने देखो भाई जगन्नाथ, और तुम भी कौशल, इसका और मेरा मामला मेरे और इसके बीच है। तुम लोगों ने अगर सच में टांग अड़ाई तो मैं बुरा मान जाऊंगा, मेरा यहाँ ना रुकना ही बेहतर है, मैंने कहा और कमरे से बाहर निकल आया। अब मेरे लिए हवेली से बाहर जाना ही ज़्यादा मुनासिब था, लेकिन चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि कौशल दौड़ती हुई मेरे पास पहुंच गई। उसने मेरा बाजू पकड़ कर कहा, कहाँ जा रहे हो मसूद भैया, अभी नहीं जाने दूंगी तुम्हें, इतने पक्के रिश्ते को ऐसे तोड़ रहे हो। कौशल मुझे मजबूर मत करो, वो वक्त दूर नहीं है जब तुम लोग खुद मुझे धक्के देकर बाहर निकालोगे, मुझे इज्जत से यहाँ से चले जाने दो। अब बात दूसरी हो गई है, कैसी बातें करते हो मसूद भैया, तुमने मेरा जीवन बचाया है, मेरी आबरू बचाई है, मैंने तुम्हें अपना भाई कहा है, इसके बाद ये कैसे हो सकता है। तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हें मेरी सौगंध है भैया, बड़े मान से मैं तुम्हें अपनी कसम दिला रही हूँ, अभी यहाँ से जाने की बात ना करो। तुम जाना चाहोगे तो हम रोकेंगे नहीं, मगर ऐसे नहीं, अभी नहीं। जो बातें हमारी, तुम्हारे और ज्ञानी के बीच हुई हैं उन पर मैं और पिताजी खुद भी हैरान हैं। हम ज़रा सुन्नत ज्ञानी महाराज से कुछ बातें कर लें। अंदर जाओ भैया, कसम दिलाई है मैंने, बता दो मुझे मान रखोगे मेरा। तुम्हारी जिद है कौशल, वरना जो मैंने कहा है वो वक्त आने में देर नहीं है ज़्यादा, मैंने गर्दन झटक कर कहा और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। कौशल मुतमईन होकर भोरिया चरण की तरफ चली गई थी। कमरे में आकर मैं उस शैतान साधु के बारे में सोचने लगा। कमबख्त वाकई नाकाबले शिकस्त कुवतों का मालिक है, जो कुछ उसने बताया उसका सबूत जा बजा मौजूद था, लेकिन वो मुझे तस्खीर नहीं कर सकता था। कुछ भी हो जाए भोरिया चरण, तू कहीं भी मेरे रास्ते में आए तुझ पे लानत ही भेजता रहूँगा मैं। चलो ठीक है, कौशल कह रही है तो थोड़ा वक्त और सही, मैंने दिल में सोचा और फिर दोपहर को करीम खान की तरफ चल पड़ा। करीम खान अपनी दुकान पर अपने काम में मसरूफ था, अच्छा आदमी था, मुझे देखकर खुश हो गया और अंदर बैठने की पेशकश की। उसके छोटे से झोंपड़े नुमा होटल में बैठकर मैंने दोपहर का खाना खाया। करीम खान अपने ग्राहकों को निमटाकर मेरे पास आ बैठा था। कुछ समझ में नहीं आया, भैया जी आखिर यहाँ आपने क़याम क्यों किया है, अगर यहीं अलोर में रहना है तो और भी बहुत सी जगह हैं, एक मुसलमान का हिंदू के घर रहना बड़ा अजीब सा लगता है, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊँगा। माफ़ कीजिएगा, किसी ख़ास गर्ज से कोई बात नहीं कह रहा, बस यूं ही ज़रा सा जहन में कुरेद पैदा हो गई। बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊँगा करीम खान साहब, आप मुतमईन रहें। नहीं नहीं, अच्छा खैर छोड़िए, ये आपका ज़ाती मसला है, मुझे ये बताइए शाम को क्या खाना पसंद फरमाएंगे, जो कुछ भी आप पकाएंगे खा लेंगे खान साहब, बस अभी सिलसिले में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, सिरी पाए पका रहे हैं बकरी के आपके लिए, और देखिए क्या लजीज पकाए हैं, आप भी क्या याद करेंगे जी, मैंने कहा। खाने वगैरह से फरागत के बाद एक बार फिर हवेली चल पड़ा। जी तो यही चाह रहा था कि यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन बस कुछ अखलाकी पाबंदियाँ लग गई थी। कौशल को समझा बुझा कर इस बात पर आमादा कर लूँगा और इसके बाद किसी और खित्ते किसी और गोशे में भोरिया चरण के मजालिम सहने के लिए चल पड़ूंगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा था, कोठी में दाखिल हुआ तो पहली मुलाकात जगन्नाथ से हुई। मैंने गर्दन खम कर दी थी, जगन्नाथ ने कहा
एक थोड़ा सा वक्त मुझे दोगे? क्यों नहीं जगन्नाथ, आओ मेरे साथ। वो मुझे अपने साथ लिए हुए अपने कमरे में पहुंच गए, बैठने का इशारा किया और फिर बोले, दरअसल बात बस इतनी सी है मसूद मियाँ, दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है मसूद मियाँ कि हम सुन्नत ज्ञानी से बड़ी अकीदत रखते हैं, हमारे बड़े बड़े मुश्किल वक्त में काम आए हैं वो, उन्होंने अपने जादू मंत्रों से हमारे बहुत से बिगड़े काम बनाए हैं, उन्होंने बेशक हमें मना कर दिया है, मगर हमारे मन में ये कुरेद पैदा हो गई है कि तुम्हारे और उनके बीच ऐसा कौन सा चक्कर है। जगन्नाथ जी, मैं आप लोगों का बहुत बड़ा एहतराम करता हूँ, एक छोटा सा काम मेरे ज़रिए हुआ है और अब तो ये बात साबित हो गई है कि इस काम में सिर्फ एक ही ज़रिया बना था, असल खेल सुन्नत ज्ञानी का ही था, मेरे और उनके दरमियान क्या चक्कर है आपका पूछना मुनासिब नहीं होगा, ना ही वो ये चाहेंगे कि आपको तफसील बताएं और ना ही मैं ये पसंद करूँगा। मैं चाहता हूँ जगन्नाथ जी कि आप मुझे जाने की इजाज़त दे दें। कौशल सादा लूह लड़की है, भाई कहा है उसने मुझे, मेरी भी एक बहन है जो मुझसे बिछड़ गई है, बहन के रिश्ते ने मेरे पाँव में जंजीर डाल दी थी, वरना एक छोटे से एहसान का इतना बड़ा सिला वसूल करने के लिए मैं यहाँ ना रुक जाता। सुन्नत ज्ञानी के और मेरे मसले को आप रहने दें, अगर पता चल गया तो आपको नुकसान पहुँचेगा, यकीन ना आए तो ये बात सुन्नत ज्ञानी से ही पूछ लीजिए। भाई बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं, बहरहाल बकौल तुम्हारे तुम जरिया ही सही, लेकिन मुझे मेरी बेटी का मुँह तो तुमने दिखाया है, सुन्नत जी ने भी हमारे ऊपर पूरी तरह से हमेशा एहसान किया है, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो तो मैं उसे ख़त्म कराने का जरिया बन जाऊँ, बहरहाल तुम्हारी मर्ज़ी। जगन्नाथ से रुखसत होकर मैं अपने कमरे में आ गया, जहन परेशान था, ख्वामखा की अखलाकी बंदिशें बांध ली थी अपने पैरों में, वरना कौशल मेरी बहन थी ना उस हिंदू घराने से मेरा कोई वास्ता। न जाने कितना वक्त गुजर गया, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, कौशल अंदर आ गई, अजीब सा चेहरा हो रहा था उसका, बड़ा हसरत भरा सा अंदाज था, मेरे सामने आकर बैठ गई। कौशल, हाँ मसूद भैया, कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। क्या कौशल? भैया ज्ञानी जी अगर तुमसे कुछ चाहते हैं तो तुम उनकी बात मान लो, जो काम वो कह रहे हैं कर दो भैया, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ तुम्हारे पास। तुम समझती नहीं हो कौशल, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, सब कुछ दाव पर लगा दिया है मैंने, इस सिलसिले में अगर ज्ञानी ने तुम्हें कुछ तफसील बताई है तो तुम्हें खुद इल्म हो गया होगा, नहीं बताई। कौशल तो तुम मुझसे कुछ पूछने की कोशिश मत करो, बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और ज्ञानी जी के बीच समझौता हो जाए। बच्चों की सी बातें मत करो कौशल, खुदा के लिए मुझसे कोई ऐसी बात मत कहो कि मुझे इनकार करके शर्मिंदगी हो, बहन की इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। पिस्तौल होगा तुम्हारे पास, लाओ और गोली मार दो, लाओ और गोली मार दो, लिख कर दे देता हूँ कि खुदकुशी की है, बस अपना खून दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन ये नहीं कर सकता जो भूरिया चरण कहता है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, ये भी तो तुम उसी से पूछो, ये भी तुम उसी से पूछो कौशल, कोई ऐसी बात मुमकिन नहीं हो सकती भैया जिससे नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगे। जो कुछ मैंने तुमसे कह चुका हूँ कौशल, इसके बाद तो मेरे पास कुछ कहने के लिए भी नहीं है, मैंने कहा और कौशल का चेहरा उतर गया, वो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, ऐसे ही कहकर चली आई थी ज्ञानी जी से कि जो काम वो नहीं कर सके मैं कर दिखाऊंगी, मुझे अफसोस है कि, लेकिन वो मेरी बात पूरी सुने बगैर बाहर निकल गई, साफ लगता था कि नाराज़ हो गई है, पागल थी, जाने पूछे बगैर फजूल दावे करके आई थी, मेरा ख्याल है कि अब वो मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करेगी, और ये दुरुस्त है, वो भोरिया चरण के हम मजहब थे, उससे अकीदत रखते थे, मेरे तो सिर्फ एहसान मंद थे, इससे ज़्यादा और क्या करें बेचारे, अब कुछ कर डालना चाहिए। रात हो गई, देर तक बैठा सोच रहा था कि क्या करूं, आलोर से कहाँ जाऊं, भोरिया चरण तो हर जगह पहुँच जाता है, उससे कहाँ महफूज रह सकता हूँ, कुछ भी है इस कोठी से निकल जाना ज़रूरी है। उठना ही चाहता था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर एक आवाज़ आई, अंदर हाजिर हो सकते हैं, यह करीम खान की आवाज़ थी, मेरी इजाज़त पर अंदर आ गई, इंतज़ार ही करते रहे हजूरे वाला का, सिरीपाई पकने के बाद देर तक रखे रहें तो बेमज़ा हो जाते हैं। ओ हाँ, मैं भूल गया था खान साहब, मज़ीद देर ना फरमाएं, हम सुबह को बर्तन ले जाएंगे। अच्छा इजाज़त, वो चले गए, मैंने सोचा कि खाना तो खा ही लिया जाए, इसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, दोबारा न जाने कब खाना मिले, मेरे पास तो कुछ नहीं है।
आने वाले वक्त का पूरा एहसास था। चुनाचे बर्तन कपड़े से खोले, खूब गरम सालन और ताज़ा ताज़ा रोटियाँ थीं। सामने रखकर पहला निवाला ही तोड़ा था कि किसी ने जैसे हाथ की कलाई पकड़ ली हो और कानों में सरगोशी उभरी, नहीं ये धोखा है, इसे फेंक दो। रोंगटे खड़े हो गए, पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। कलाई आहिस्तगी से छोड़ दी गई थी। मैं सहमी हुई नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। दरवाज़ा इस तरह अंदर से खुला था जैसे किसी ने खोला हो, फिर खुद ही बंद भी हो गया। मैं थूक निगलते हुए बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर खाने पर निगाह डाली और मेरे हलक से चीख निकल गई। इससे पहले भी खाना शुरू करते हुए सालन के बर्तन पर निगाह पड़ी थी। बहुत पुररोगन सालन था और उसमें सीरी का गोश्त नज़र आ रहा था, मगर अब जो देखा तो बर्तन में बदबूदार पीला पानी भरा हुआ था और उसमें से निहायत क्रेही शक्ल की मकड़ियाँ कुल बुला रही थी। दहशत भरी चीख दोबारा मेरे मुंह से निकली और मैंने बेख्तियार बर्तन पर हाथ मारकर उसे दूर फेंक दिया। बर्तन औंधा हो गया, पानी बहने लगा और भीगी हुई जमीन पर जिंदा मकड़ियाँ लंबे लंबे हाथ पांव से चलती हुई दीवारों की तरफ जाने लगी। मैं दहशत भरी नजरों से उन्हें देखता रहा, हवास गुम थे, बमुश्किलें तमाम उठा, दिल बुरी तरह धड़क रहा था, गला खुश्क था। लड़खड़ाते कदमों से बाहर आया, आह वो यहाँ मौजूद है, वो शैतान मुसलसल हमले कर रहा था, भला वो मुझे कहाँ जीने देगा, निकल जाऊँ यहाँ से, फौरन ही निकल जाऊँ, किसी को बताने की ज़रूरत ही क्या है। मैं बाहर जाने वाले रास्ते के लिए आगे बढ़ने लगा, कई कमरे दरमियान में आते थे। चंद कदम ही चला था कि अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला, साथ ही एक कान फाड़ देने वाली निस्वानी चीख सुनाई दी और कमरे से निकलने वाला मुझे लपेट में लिए ढेर हो गया।